हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने कामों में जो है व्यस्त होंगे। डियर ऑल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो है कल का वीडियो मेरा था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत अच्छा। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखेंगे, जल्दी से जाइए ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2 पे। और जो है उस पर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ड्रीम इंग्लिश एकेडमी 0.2, तो उस पर जाएंगे। और जो है उस पर जो पहला वीडियो मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो डाल दिया हूँ और बहुत अच्छे से जो है ना यानी उसमें एक्सप्लेन मैं किया हूँ, ठीक है। तो देखिए आज मैं चल रहा हूँ जो दूसरे चैप्टर की तरफ, जो कि क्या है भारत इज माई होम, जो कि रेनबो पार्ट टू का जो है दूसरा चैप्टर आता है, जो कि क्या है भारत इज माई होम। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, देखते हैं कि क्या कह रहा है। भारत इज माई होम, क्या है भारत इज माई होम इज रिटन बाय, यानी कहा जाता है क्या, यानी इसका जो भारत इज माई होम है इसका लिखने वाला कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा क्या है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा है पेलस बक, और चौथा क्या है एचजी बिरला, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर क्या हो जाएगा जाकिर हुसैन, क्या है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस भारत इज माई होम को जो लिखा था वो किसने लिखा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, टू नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, डॉट डॉट वाज द रोल है ना मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर होशेन, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी पहला है जो है क्या है यानी महात्मा गांधी, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है डॉक्टर राधा कृष्णा, और चौथा क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग को जो है मैंने बताया था और पढ़ाए भी थे उस समय में भी मैं बताया था कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देयर, और अगर आप लोग जो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, जैसे कि अगर ये वीडियो से अगर उसको भी प्रॉफिट मिल जाए तो और अच्छा है, उसको भी फायदा उठाने दो, ठीक है, क्योंकि फ्री 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 क्लास है, समझ रहे हैं ना, कोई चार्ज नहीं, कोई जो है पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूंगा इसका, ठीक है। चलिए देखिए यानी दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि एग्जाम है, नज़दीकी एग्जाम है, और एग्जाम में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सबका अच्छा जो है जो एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बस सिर्फ ये वीडियो देख करके जाओ, है ना। देखिए क्या क्या कहता है, डॉट डॉट सेड डैट भारत इज माई होम एंड इट्स है ना पीपल आर माई फैमिली, यानी जो बताया गया किसने कहा, जो भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है क्या है मेरा फैमिली है यानी मेरा परिवार है। तो इसने पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, और चौथा ऑप्शन क्या है यानी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा और डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट जो है वीडियो नेक्स्ट जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं इसमें कहता क्या है, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना वाज ग्रेट डॉट डॉट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यानी किसमें उसको जो है महान थे वो, जैसे कहता है पहला पॉलिटिशियन, दूसरा थिंकर, तीसरा नेशनलिस्ट, और चौथा क्या है लीडर यानी जो है नेता, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या यानी सी नंबर ऑप्शन जो है नेशनलिस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा नेशनल। मैं हमको बताने से पहले तुम आंसर को टिक कर लो, ठीक है, अपने माइंड में सोचो कि यही आंसर होगा, क्योंकि कि हम पढ़ाए थे क्लास में भी पढ़ाए थे और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, जो एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, लेकिन हम आपको क्लास में पूरे जो अच्छे से एक्सप्लेन किए थे और बहुत अच्छे से समझाए थे कि इसका कहानी क्या था, भारत इज माई होम के बारे में बहुत अच्छे से समझाए थे। चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि इसमें क्या आंसर जो नेशनल लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी फाइव नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो है क्या, यानी देखिए यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना टुक द ऑथ एज डॉट डॉट, यानी इसका जो यानी जो बताया गया जो इस ये क्या थे टुक द ऑथ एज डॉट डॉट, है ना। तो इसमें क्या है पहला प्रेसिडेंट, दूसरा है गवर्नर, तीसरा क्या है मिनिस्टर, और चौथा क्या है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो ए हो जाएगा, यानी क्या प्रेसिडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रेसिडेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सिक्स
नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच इन डॉट, यानी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो अपनी भाषण यानी कब दिए थे, है ना, कब दिए थे, 1965, 1966, 1967 और 1968। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी 1966 में जो है क्या है उसने प्रेसिडेंट बना, उसी वक्त जो प्रेसिडेंट बना था और उसी समय जो क्या है अपनी भाषण जो है दिया था, उसी साल जो है क्या है यानी अपनी भाषण जो है उसने दिया था, उसका पहला भाषण था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है खोल दो, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है देखिए, यानी इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है उसमें जो बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसमें जो बता रहा है कि जो इसमें देखिए डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जैसे महात्मा गांधी, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है राधा कृष्णा और चौथा क्या है राजेंद्र प्रसाद। बाबू इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णा जो है आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरह, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरह मैं चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एट नंबर क्वेश्चन जो है, एक नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज हिज इन 1967 आफ्टर टॉकिंग द डॉट डॉट, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है गवर्नर, तीसरा है जो है क्या चीफ मिनिस्टर और चौथा क्या है मिनिस्टर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्रेसिडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, देख रहे हैं कि क्या कहता है इस क्वेश्चन में, 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए डॉट डॉट इज द प्राइम, है ना, इज डॉट डॉट इज द प्राइम स्टेटमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, है ना, यानी इसमें जो है इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है गवर्नर और चौथा क्या है चीफ मिनिस्टर और जो पांचवा क्या है जो है मिनिस्टर। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यानी यही क्वेश्चन मैं बताया हूं कि क्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्रेसिडेंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसमें जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो प्रेसिडेंट बने थे, भारत का जो है वो राष्ट्रपति के रूप में आए, वो कब आए थे, है ना, वो कब आए थे, यानी 1960 का जो है वो राष्ट्रपति के रूप में आए, वो कब आए थे, है ना, वो कब आए थे, यानी 1965, 1966, 1967 और 1969। तो मैंने बताया था इससे बाद वाले क्वेश्चन में कि जो है इसने कब, यानी जो 1967 में इसने पहला अपना भाषण भी दिया था और 1967 में इसे प्रेसिडेंट के रूप में भी आया था। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी सी ऑप्शन जो हो जाएगा 1967, क्या हो जाएगा 1967। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 11 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड इन द ऑफिस एज ए स्पिरिट ऑफ डॉट डॉट ह्यूमैनिटी, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे पहला एसपी है ना स्पेशल, है ना, उसके बाद है प्रेफुल, लॉन्ग और न्यू, है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा प्रेफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रेफुल हो जाएगा। आप देखिए और एग्जाम में क्वेश्चन बना के आइए यही, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में जो है डाला हूं, ठीक है, और इसके बाद भी वीडियो आएगा जो कि नेक्स्ट चैप्टर है उसका भी मैं लेकर के आऊंगा, कल डेली आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन जो कहता है मेरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज रिटेन द लेसन, यानी यह चैप्टर जो है, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कौन सा चैप्टर लिखा है, कौन सा चैप्टर लिखा है, तो पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसने भी नहीं लिखा, दूसरा है आई हैव अ ड्रीम, ये भी नहीं लिखा है, भारत इज माई होम और क्या है द आर्टिस्ट। तो मैं बताया हूं आप लोगों को कि जो भारत इज माई होम है उसी का जो है ये किसने लिखा है, यानी डॉक्टर क्या है जाकिर हुसैन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो क्या, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय क्या है, भारत इज माई होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यानी 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णा है ना नेवर हिज फेथ इन डॉट डॉट, है ना, तो इसमें क्या, इसका आंसर पहला है मैन, दूसरा एनिमल, तीसरा है बर्ड और चौथा क्या है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी मैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो है इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेट टू है ना द पीपल ऑफ डॉट डॉट है ना। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है इंडिया और तीसरा चाइना और चौथा क्या है नेपाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या, यानी इंडिया है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो हो जाएगा इंडिया। चलिए उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन सॉल्व होता होगा है ना, सारा क्वेश्चन ए टू जेड क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व होता होगा, और क्योंकि मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था। देखिए यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ द डॉट है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो टोटल डेडिकेशन। क्या हो जाएगा? टोटल डेडिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं कि देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया था। 16 नंबर क्वेश्चन जो है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन डॉट डॉट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है जन्म हुआ था वो कहां हुआ था है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है कहां हुआ था? तो पहला है दिल्ली में, क्या यहां जन्म हुआ था क्या? नहीं रे भाई, सुनना है ना। दूसरा है क्या है, कर्नाटक का है ना, यहां भी नहीं हुआ था। तीसरा है चेन्नई, यहां भी नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद है ना। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है इस क्वेश्चन में। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन डॉट डॉट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो मृत्यु हुआ था, जो इस दुनिया छोड़ के वो चले गए थे, वो कब चले गए थे है ना, कब चले गए थे? तो पहला है जो 1959, दूसरा है 1969, तीसरा है 1979 और चौथा क्या है 19 है ना, यानी क्या 89। तो इसका जो मृत्यु हुआ था, वो जो मृत्यु जो हुआ था क्या है, यानी ऑप्शन क्या, कब हुआ था? जो 1969 में है ना, कब हुआ था? 1969 में, जो इसका जो क्या, इसने अपना दुनिया छोड़कर चले गए थे। समझ रहे हो ना, इसने जो अपना क्या है, दुनिया छोड़कर जो है चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, द वर्ल्ड है ना इरोडेशन एस्टेंट फॉर डॉट डॉट है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि क्या है, यानी ग्रेट नॉलेज है। क्या है? ग्रेट नॉलेज है। समझ में आता होगा आप सभी स्टूडेंट को, बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। पूरे बिहार तक फैला दो भाई है ना, कि पूरे बिहार तक जो इसको फैला दो इस वीडियो को, ठीक है। कौन क्या कहता है इससे जो मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना, पूरे बिहार तक इस जाने दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, आप भी जो है इससे जो है क्या है प्रॉफिट ले रहे हो, उसको भी जो प्रॉफिट हो जाए, ऐसा काम तुम करना, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों में, अपने जो दोस्त जहां जहां दोस्त है वहां सबको शेयर कर दो, जो है इस बार एग्जाम देगा है ना, एग्जाम देगा, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं कहना फिर सर नहीं बताए और जो उसको शेयर नहीं कर पाए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा, उसका नहीं बनेगा तो वो देखते ही रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए चलिए आप भी जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं बताया कि जो इन द वर्ल्ड है ना इरोडेशन एस्टेंट फॉर डॉट डॉट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या, यानी इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्या, यानी बी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या आंसर, ग्रेट क्या है नॉलेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, यानी कहता है व्हेन डिड है ना डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच, यानी जो पूछा जा रहा है कि इसने जो भाषण दिया था है ना, जो स्पीच दिया था वो जो है किस, यानी कब दिया था और किस रूप में दिया था। तो पहला है जो है ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी क्या इंडिपेंडेंस डे के, या दूसरा है रिपब्लिक डे, क्या जो रिपब्लिक डे के जो है अवसर पे, या व्हेन ही टुक द ऑथ एज द प्रेसिडेंट, या जो है ऑन आर्मी डे है ना, किस पर जो है दिया था। तो इसने अपना भाषण जो दिया था व्हेन, जब वो जो है क्या बने थे, यानी प्रेसिडेंट जो आए थे प्रेसिडेंट के रूप में, किस रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, अगले क्वेश्चन है और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इसका और दूसरा पार्ट टू भी मैं लेकर के आऊंगा। जैसे कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन डॉट डॉट, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है, यानी जो है ये जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, यानी कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। वो तो कहां हुआ था ये मैंने बताया था आपको, यानी हैदराबाद में हुआ था, लेकिन इसका जो है यानी कब, यानी बॉर्न हुआ था वो जो कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू पहला है 1867 और जो क्या है 1897। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, यानी जो है सी हो जाएगा, जो कि क्या, यानी 1867 ईस्वी में। उम्मीद, चलिए तो इतना ही क्वेश्चन आज के लिए मैं रखता हूँ, और उम्मीद भी है कि आप सारा का जवाब